हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। देखिए, टेंस पढ़ रहे थे हम, और लास्ट वीडियो में हम प्रेजेंट परफेक्ट तक टेंस पढ़ चुके थे। ठीक है भाई, प्रेजेंट परफेक्ट तक पढ़ चुके थे, और अब इससे आगे हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, ठीक है, अब हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए फर्क क्या होता है परफेक्ट और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में। परफेक्ट टेंस में होता है काम पूरा हो चुका, कॉन्टिन्यूअस होता है काम चल रहा है, और परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस क्या होता है कि काम चाहे 10 साल पहले पूरा हो चुका, चाहे 2 दिन पहले पूरा हो चुका, चाहे 1 घंटे पहले पूरा हो चुका, काम पूरा भी हो चुका, काम का प्रभाव अभी तक है, उस काम का इफेक्ट है वो अभी तक है, तब हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का यूज करते हैं। मतलब क्या है कि इसमें एक समय दिया होता है कि काम है वो 3 साल से चल रहा है, 2 महीने से चल रहा है, 10 दिन से चल रहा है, तो वहां पे एक तरीके से क्या है कि समय दिया जाता है आपको। देखिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब, यहां पे हम पढ़ते हैं हैज बीन, Have been कहाँ यूज होगी? जहाँ पे हैज और हैव का यूज कर रहे थे, सेम हैज लिख देता हूँ एक बार के लिए। He, she, it, किसी का नाम या फिर सिंगुलर सब्जेक्ट, यहाँ पे I, we, you, they, या फिर प्लूरल सब्जेक्ट। He, she, it, किसी का नाम या कोई सिंगुलर सब्जेक्ट, वो उसके साथ आप has been का यूज करोगे, और I, we, you, they या कोई भी प्लूरल सब्जेक्ट हो वहां पे आप have been का यूज करोगे। पहली चीज हेल्पिंग वर्ब क्लियर होगी। उसके बाद हम पढ़ते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे यूज होगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ ing का यूज करोगे, मतलब ing फॉर्म यूज होगी वर्ब की। ठीक है भाई, देखिए फर्क क्या है यहाँ पर समय को बताने के लिए। यहाँ पे क्या है कि टेंस, जब आप परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस पढ़ोगे तो वहां पे समय दिया होगा, और समय को डिफाइन करने के लिए साथ में आपको एडवर्ब्स दिए होंगे। एडवर्बियल्स जैसे हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, उसमें एडवर्ब्स के साथ में टाइम डिनोटिंग एडवर्ब देंगे हम। ठीक है, कौन से? सिंस या फोर। ठीक है, सिंस या फोर। एक और भी यूज होता है ऑल का। ठीक है भाई, ये आपने शायद नहीं पढ़ा होगा, बता दूंगा मैं आपको। सिंस, फोर अथवा ऑल का यूज होता है टाइम को बताने के लिए, टाइम को डिफाइन करने के लिए आप यूज करोगे इनका। आप सुनो मेरी बात, यहां तक क्लियर है? लेकिन अब आप मेरे को ये बताओ, सिंस का और फोर का यूज आप लोग कमेंट कर सकते हो, बता सकते हो अगर आप लोग वीडियो देख रहे हो। पहले मैं आपसे पूछता हूं, आप अपने हिसाब से बताइए कि सिंस और फोर का यूज कहां करेंगे। देखिए जो अब तक हमने पढ़ा है सिंस और फोर, आपके हिसाब से भी बता देता हूं आप क्या करेंगे। सिंस का यूज होगा पॉइंट ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम, और फोर का यूज होगा पीरियड ऑफ टाइम। इतना हमें पता होता है पॉइंट ऑफ टाइम है, पीरियड ऑफ टाइम है, बताया हुआ है, पता है हम सभी को। लेकिन जब सामने टाइम आता है तब वहां पे हम ये क्लियर नहीं कर पाते ये पॉइंट ऑफ टाइम है या ये पीरियड ऑफ टाइम है। ठीक है, देखो इसके लिए मैं छोटा सा आपको तरीका बताता हूं। पॉइंट का मतलब होता है एक ऐसा पॉइंट, एक ऐसा बिंदु दे दिया जाए जब कोई भी काम शुरू हुआ था। ठीक है, और पीरियड का मतलब होता है कि इतना पीरियड, टाइम पीरियड दे दिया जाए कि इतने टाइम में वो काम कंप्लीट हुआ है, इतने टाइम से वो काम चल रहा है। जैसे मैं ये कहूं यहां पे, राम हैज बीन Waiting for you for
2 hours. देखिए यहाँ पे मैंने सिंस या फॉर का यूज किया, मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, स्पेशल लिखा है मैंने आपको क्यों, पहले मैं समझाना चाहता हूँ आपको. Ram has been waiting for you यहां पर भी आपको यूज करना है टाइम डिनोटिंग एडवर्ब का, यहां पर भी आपको यूज करना है टाइम एडवर्ब का, ठीक है. और आपके पास सिंस या फॉर है, किसका यूज करोगे? देखो पहले हम सिंस का पढ़ते हैं कि राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू. राम आपका इंतजार कर रहा है, कब से? 1999 से इंतजार कर रहा है. लेकिन ये इंतजार करना इस समय शुरू हुआ था, मुझे नहीं पता समय निश्चित है या अनिश्चित है. पीरियड ऑफ टाइम, पॉइंट ऑफ टाइम मैं अपने हिसाब से बताऊं आपको, अगर समझना हो कि ये जो काम है ये कब शुरू हुआ था, 1999 में, या इसकी जगह आप लिख लो यहाँ पे जैसे मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, संडे मंडे ट्यूजडे मॉर्निंग इवनिंग कुछ भी. मतलब क्या है कि काम कब शुरू हुआ था, इतना हमें पता चल रहा है यहाँ से कि काम मार्च में शुरू हुआ था. वो मार्च से हमारा इंतजार कर रहा है तो मार्च में काम शुरू हुआ था, लेकिन काम को मार्च से अब तक कितना समय हो गया? 1 दिन 2 महीने 4 महीने 6 साल 8 साल 10 साल, कितना समय हुआ है ये चीज हमें कंफर्म नहीं है. मतलब क्या होता है पॉइंट ऑफ टाइम का? पॉइंट ऑफ टाइम का मतलब होता है कि जब आपको काम को शुरू करने का पॉइंट तो दिया गया है, लेकिन उस काम को चलते कितना समय हो गया वो नहीं दे रखा, तब आप यूज करते हो पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब सिंस का यूज करते हो. दूसरा यहाँ पे कह रहा है कि राम हैज बीन वेटिंग फॉर यू 2 hours. राम आपका 2 घंटे से इंतजार कर रहा है. कब शुरू किया उसने इंतजार करना? 6 बजे 8 बजे 10 बजे 2 बजे, कितने बजे शुरू किया, कितने दिन पहले शुरू किया, कुछ नहीं पता. सिर्फ इतना पता है कि उसको इंतजार करते हुए 2 घंटे हो गए. अब नहीं पता उसने 6 बजे शुरू किया था इंतजार करना, 8 बजे शुरू किया था, 10 बजे शुरू किया था, नहीं पता हमें. उसे वेट करते हुए 2 घंटे हो गए. हमें तो टाइम दिया है कि 2 घंटे हो गए, 4 महीने हो गए, 6 साल हो गए, 8 साल हो गए, 10 महीने हो गए, 2 दिन हो गए. मतलब हमें नहीं पता काम शुरू कब हुआ, उसको काम को शुरू हुए कितना समय हो गया ये दे रखा है, उसको बोलते हैं पीरियड ऑफ टाइम. ठीक है, तो पीरियड ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे फोर का, और पॉइंट ऑफ टाइम के लिए हम यूज करेंगे सिंस का. ठीक है, पहले ये लिखो एग्जाम्पल, फिर मैं आपको बताता हूं कि सिंस और फोर का पर्टिकुलर यूज किस किस के साथ आपको करना है, जहां पे आपको समस्या नहीं होगी याद रखने में. लिखो जल्दी से. देखिए यहां पे मैं लिखता हूं यूज ऑफ सिंस. ये सारी चीजें लिखी होनी चाहिए आपके नोटबुक में. यूज ऑफ सिंस, सिंस का यूज कहां होता है देखो, सबसे पहला मैं बताऊं आपको, ईयर के साथ कोई भी ईयर का नाम आ जाए, जैसे अभी मैंने लिखा 1999 2005 2020, कुछ भी हो ठीक है ना, 1997 1947 2005 ETC, ठीक है ना, ऐसा कोई भी ईयर नेम आ जाए. दूसरा है मंथ के साथ, मंथ का कोई भी नाम आ जाए, लेके जनवरी से और दिसंबर तक. ठीक है, जनवरी से दिसंबर तक कोई भी मंथ नेम आ जाए सिंस का यूज करोगे. उसके बाद डे या वीक, वीक नेम अथवा डेज का नाम कोई भी, मतलब है कि लेके संडे से और सैटरडे तक. ठीक है ना, संडे मंडे ट्यूजडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे सैटरडे कुछ भी आ जाए, वहां पे आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे. अच्छा, उसके बाद
ये तो हो गई मोटी मोटी बातें जो हम बता रहे हैं आपको। उसके बाद जैसे पार्ट ऑफ द डे, पार्ट ऑफ द डे दिन का कोई भी पार्ट, जैसे मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, टू नाइट, के लाइट, कुछ भी, ठीक है ना। मॉर्निंग, इवनिंग, नाइट, डाउन, डस्क, ट्विलाइट, मिडनाइट, नून, एटीजी एक्सेट्रा, कोई भी मतलब दिन का कोई भी पार्ट आ जाए, ठीक है, सुबह, शाम, दोपहर, रात, ठीक है, कोई भी, तो वहां पे आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। उसके बाद स्टेज ऑफ लाइफ, क्या जाए, स्टेज ऑफ लाइफ, जन्म की कोई भी, मतलब सॉरी, जीवन की, लाइफ की कोई भी स्टेज हो, जैसे बचपन है, युवावस्था है, बुढ़ापा है, ठीक है ना, ये सारी चीजें, ठीक है, जैसे चाइल्डहुड, ठीक है, यंगनेस, बाद ओल्ड एज, ठीक है, मतलब कुछ भी हो इस तरीके से। यहाँ पे आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। इसके अलावा देखिए यहाँ पे मैं लिखूं लास्ट, कोई भी डेट दे रखी हो आपको, कोई भी डेट दे रखी हो फिर भी आप किसका यूज करोगे, जैसे 26 जनवरी, ठीक है, 15 मार्च, कोई भी डेट दे रखी हो वहां भी आप किसका यूज करोगे, सिंस का यूज करोगे। उसके बाद देखिए कोई भी इवेंट या एक्सीडेंट, ठीक है, कोई भी इवेंट या कोई भी एक्सीडेंट या कोई भी वेन्यू हो उसके लिए, ठीक है, मान लो कोई भी दुर्घटना है या कोई कार्यक्रम है उसके लिए भी, जैसे जैसे यहां पे आप लिख सकते हो बर्थ, डेथ, रिटायरमेंट, ठीक है, एक्सीडेंट या एक्सेट्रा, कोई भी इस टाइप की कोई भी घटना हो उसके साथ भी आप सिंस का ही यूज करेंगे। देखिए मोस्टली जो सिंस के यूज है वो मैं आपको बता चुका हूं, इसके अलावा भी अगर कोई रह जाता है बीच में मैं आपको बता दूंगा, लेकिन आपको कम से कम ये कंफर्म होना चाहिए कि ये सारी चीजें हैं पॉइंट ऑफ टाइम, ये सारी चीजें पॉइंट ऑफ टाइम है, संडे, मंडे, ट्यूजडे, वेडनेसडे, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, ठीक है, ये सब होते हैं पॉइंट ऑफ टाइम है कि इस समय काम शुरू हुआ। जैसे मैं कहूं कि वो 26 जनवरी से वहां पर है, ठीक है ना, तो वो 26 जनवरी पर वहां पर रहना शुरू किया उसने, वो काम 26 जनवरी को शुरू हुआ, उस काम को होते हुए कितना समय हो गया हमें कंफर्म नहीं है, तो आपको तो सिर्फ ये देखना है कि काम पॉइंट ऑफ टाइम है या पीरियड ऑफ टाइम है। तो ये सारे मैंने मोस्टली जितना भी पॉइंट ऑफ टाइम हो सकता है और भी जो भी होगा मैं आपको बता दूंगा, अदरवाइज ये आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है ना। अच्छा उसके बाद देखिए ये हो गया सिंस का यूज, लिखे होने चाहिए आपकी नोटबुक में ये सारी चीजें। उसके बाद देखो यूज ऑफ फोर, फोर का यूज कहां करोगे, फोर का यूज होता है
पीरियड ऑफ टाइम, पीरियड ऑफ टाइम कोई भी दिया हो वहां पर आप यूज करते हैं फोर का। अब सुनो मेरी बात, पीरियड ऑफ टाइम में एग्जाम्पल मैं आपको दे देता हूं, जैसे टू मिनट्स, थ्री आवर्स, टू डेज, सिक्स मंथ्स, एट वीक्स, फाइव इयर्स, थ्री डिकेड्स, ठीक है। देखिए, टू मिनट्स, थ्री आवर्स, टू डेज, मतलब दो दिन से, चार महीने से, छह साल से, आठ घंटे से, ठीक है। या उसके बाद आप बोल सकते हो टू सेशंस, ठीक है, दो सेशन से। हम ये कह सकते हैं कि हमारे स्कूल में दो सेशन से इंग्लिश की क्लासें चल रही है, दो सेशन से पीसीएम की क्लासें चल रही है, ठीक है ना। तो टू सेशंस, ये भी क्या होगा, एक पीरियड ऑफ टाइम। और जैसे लॉन्ग टाइम, ए व्हाइल, ए लिटिल टाइम, ठीक है, ये सब भी आप फोर का यूज करोगे इन सब के साथ में, ठीक है। ऊपर मेरे को पता है, ऊपर आप कर लोगे टू मिनट्स, थ्री आवर्स, टू डेज वगैरह वगैरह, ये सब आएंगे। लेकिन लास्ट जो मैंने नीचे लिखे हैं, ए लॉन्ग टाइम, ए व्हाइल, ए लिटिल टाइम, ठीक है, लास्ट टू डेज, जैसे लास्ट टू डेज टीटीसी, ऐसा लास्ट टू डेज, लास्ट थ्री डेज, लास्ट टू मंथ्स, ठीक है, ऐसा भी आप किसका यूज करोगे, सिंस, सॉरी फोर का यूज करोगे, ठीक है। ये चीजें मेरे हिसाब से सिंस और फोर आपको क्लियर हो गया होगा। अगर अभी भी कोई समस्या है, किसी भी चीज में कंफ्यूजन है कि किसके साथ किसका यूज होना चाहिए, आप लोग कमेंट करके जरूर पूछ सकते हो, ठीक है। इसके बाद देखिए, एक बात का ध्यान रखना, इंग्लिश में जब भी आप कोई भी सेंटेंस बिल्ड कर रहे हो, सेंटेंस बना रहे हो, उस टाइम अगर सेंटेंस में समय दिया है, टाइम दिया है, तो वो लास्ट में आएगा, ठीक है। और टाइम एडवर्ब जो होता है वो टाइम से जस्ट पहले आता है। तो आपको सिंस और फोर का यूज बता देता हूं मैं। कोई भी आप सिंपल सेंटेंस यूज करो, ठीक है, तो उसका स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फोर प्लस टाइम, ठीक है भाई। ये होता है आपके सेंटेंस का सिंपल का स्ट्रक्चर। क्या करते हैं, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर मेन वर्ब, फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट, उसके बाद टाइम एडवर्ब, सिंस, फॉर या ऑल का यूज भी होता है, ठीक है, जैसे ऑल टाइम, ऑल डे, ठीक है, इस तरीके से। मैं कहूं है पूरे दिन से आपका इंतजार कर रहा है, ठीक है, तो क्या करोगे, ही हैज बीन वेटिंग फॉर यू, क्या करोगे, ऑल डे, ठीक है, बोल का भी यूज होता है। चलो उसको छोड़ो, आप लोग यहां पर कंप्लीट ध्यान दो सिंस और फोर के ऊपर, ठीक है। ये हो गया स्ट्रक्चर। अभी मैं एक सेंटेंस बना के बताता हूं, उसके बाद इसकी पहचान एडवर्ब है वो लिखेंगे। जैसे देखिए,
देखिए मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस दिया और मैंने यहाँ पे ब्लैंक्स छोड़ा हुआ है कुक। सबसे पहले आप तो क्या करोगे, आपके हिसाब से तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए। राधा कुक फूड फॉर 2 आवर्स, राधा खाना पकाती है, लेकिन यहाँ पे जब जाओगे क्या है, फॉर 2 आवर्स, 2 घंटे से मतलब पकाती है, नहीं पका रही है। ठीक है, क्या करोगे, टाइम दिया है, सिंस या फॉर का यूज है। जब भी सेंटेंस में सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया हो तब आप सेंटेंस में हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करोगे। क्या करोगे, राधा हैज बीन कुकिंग फूड, राधा हैज बीन कुकिंग फूड फॉर 2 आवर्स। यहाँ पे सिंस का यूज क्यों नहीं किया, क्योंकि पीरियड ऑफ टाइम दिया है, समय दे रखा है आपको 2 घंटे से। ठीक है भाई, चलो अब इसके एडवर्ब देख लेते हैं, फिर आज प्रेजेंट टेंस है वो कंप्लीट हो जाएगा। इसको लिखो जल्दी से एग्जांपल को। इसके एडवर्ब क्या होंगे, सिंस या फॉर प्लस टाइम दिया, लिखो जल्दी से। इसके एडवर्ब क्या होंगे, सिंस या फॉर के साथ अगर टाइम दे रखा है तब आप प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस का यूज करोगे। सिंस और फॉर के साथ टाइम नहीं दे रखा है तो आप सिर्फ प्रेजेंट परफेक्ट का यूज करते हो। ठीक है, यूज बता रहा था आपको, सिंस के यूज में एक और लिख लेना, क्लॉक टाइम। क्लॉक टाइम कभी भी दिया हो, घड़ी का समय, तो वो आप सिंस का यूज करोगे, जैसे 2 o'clock, ठीक है, 10 o'clock, 5 o'clock, जहां भी दिया हो सिंस का यूज करोगे। देखिए अब आप नोट डाल के लिखिए, यदि सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो एवं वाक्य समाप्त हो जाए, मैं ये बताऊंगा वाक्य समाप्त क्यों कर रहे हैं हम। देखो, यदि सिंस फॉर प्लस टाइम दिया हो और वाक्य समाप्त हो जाए तब हैज हैव प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। इंग्लिश में भी बता देता हूं, अगर आप लिखना चाहते हो, If a sentence ends with since for plus time, if a sentence ends with since for plus time, then has, have plus been plus verbs ing form is used in correct form of the verb. ठीक है, correct form of the verb में क्या use करोगे in the blanks? Has, have plus verb की first, been plus verb की first form के साथ ing का use करोगे। कैसे? देखो, तानिया डांस सिंस 9 o'clock,
सुनो मेरी बात, 9 o'clock, सिंस या 4 के साथ टाइम दिया है 9 o'clock। अब यहाँ पे आपको क्या कहा गया है कि सिंस 4 के साथ टाइम हो और आपका वाक्य खत्म हो जाए तो आप हैज बीन हैव बीन का यूज करोगे। तो क्या करोगे, तानिया हैज बीन डांसिंग, तानिया हैज बीन डांसिंग सिंस 9 o'clock। तानिया है वो 9 बजे से डांस कर रही है। अभी इसने ये क्यों बोला कि सेंटेंस समाप्त हो जाए। अभी इसी सेंटेंस के साथ मैं यहाँ पे लगा देता हूँ सिंस 9 o'clock यस्टरडे। ठीक है, चलो रुको, अभी पहले आप इसको समझो, इसको लिखो एक बार। लेकिन अगर 10 इयर्स के बाद में कहूं तानिया टीचिंग इन दिस स्कूल फॉर 10 इयर्स, व्हेन आई टॉट देयर, जब मैं वहां पर पढ़ाता था, तो फिर वो पास्ट में। देखो जब पास्ट पढ़ेंगे तो मैं बताऊंगा आपको। ठीक है, अभी के लिए आप इसको लिखो एग्जांपल को। ठीक है, देखिए ये चीज आपको समझ में आएगी। जैसे मैं पास्ट पढ़ाऊंगा ना, पास्ट का जैसे हम लेके चलेंगे तो आपको ये चीज समझ में आ जाएगी। ठीक है, क्योंकि इसके टाइम के बाद अगर हम और कुछ लिखते हैं तो वो दूसरे टेंस को फिर शो करेगा। अगर पास्ट की बात लिखते हैं तो पास्ट में जाएगा, फ्यूचर की बात लिखते हैं तो वो फ्यूचर में चला जाएगा। अभी देखो इसका दूसरा एग्जाम्पल देखो आप। If two sentences are connected with since or for, यदि दो सेंटेंस आपके since या for से जुड़े हुए हैं, ठीक है, and the one is of present tense, और उनमें से एक सेंटेंस आपका present tense का है, तो दूसरा सेंटेंस है the second will be of present perfect continuous tense, ठीक है? हिंदी में लिख देता हूं, यदि दो वाक्य सिंस या फोर से, ठीक है, या मतलब आप ये लगा लो दो वाक्य दिए हों एवं एक वाक्य में सिंस या फोर का यूज किया गया है, सिंस या फोर लगा हो तथा दूसरा वाक्य देखो दो सेंटेंस हैं, जिसमें एक में सिंस फोर है, दूसरा वाक्य है उसमें प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट का कोई भी हो, प्रेजेंट सिंपल कंटीन्यूअस कोई भी हो, ठीक है, और पहले वाले में अगर सिंस फोर लगा हुआ है तब रिक्त स्थान में, तब ब्लैंक्स में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। ठीक है भाई, देखो एग्जांपल बताता हूँ आपको, एग्जांपल से ज्यादा अच्छे समझ में आ जाएगा।
निकालना, इसको लिखो जल्दी से लिखो। यदि दो वाक्य दिए हो एवं एक वाक्य में सिंस फॉर लगा हो तथा दूसरा वाक्य प्रेजेंट टेंस का हो तब ब्लैंक्स में हैज हैव प्लस बीन प्लस वर्ब के आईएनजी फॉर्म का यूज करेंगे। सेंटेंस किसी कंजंक्शन वर्ड से जुड़े हुए हैं, दो सेंटेंस कंजंक्शन वर्ड से, तो ये सेंटेंस अलग हो जाता है। ये सेंटेंस अलग हो गया, he has not finished yet। यहां तो आपको क्या करना है, आपको तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखनी। राजू राइट ए स्टोरी सिंस मॉर्निंग, राजू है वो सुबह से कहानी लिख रहा है, बट he has not finished yet, लेकिन इसने अभी तक इसको खत्म नहीं किया। देखो पहले वाक्य में सिंस या फॉर लगा हुआ है, टाइम दिया है, दूसरे वाक्य में प्रेजेंट टेंस है, ही हैज है आता है आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, तो दूसरा प्रेजेंट का है तो पहले में क्या होगा, हैज बीन हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। क्या करोगे, राजू हैज बीन